नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन ट्रायंगल का एक्सरसाइज 3.1 की हमने टू वीडियो बना दी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर अदर जो क्वेश्चन ले लिया। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इन द फिगर लाइन डी पैरेलल टू लाइन जी एफ, रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी एफ डी ई डी एम डी एफ एम रिस्पेक्टली। प्रूव दैट एंगल डी ई जी इज हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ, एंड सेकेंड प्रूव करना है ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। तो फर्स्ट हम ए फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं, आफ्टर सेकेंड वाला। देखिए यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, जो एंगल डी ई जी मतलब यह जो एंगल है, यह वाला एंगल हमारा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी एफ, इसके हाफ होना चाहिए, ई डी एफ के इसका हमें हाफ करना है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान देना है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है डी ई एफ का बाइसेक्टर कौन है, ई जी है, तो बाइसेक्टर है, मतलब यह दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो यह दोनों एंगल दिख रहे हैं इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले वही लाइन लिखते हैं, रे इजी बाइसेक्ट एंगल डी ई एफ। सो देयर फॉर अगर बाइसेक्टर है तो यह दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसका नाम लेते हैं हम एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। अभी दोनों एंगल को हम क्या एज्यूम करते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं। लेट पॉइंट नंबर टू में लेट एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों एंगल को हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया है, क्योंकि अब एक्स को एज्यूम कर लिए थोड़ा करने में हमें ईजी होगा। अब देखिए जो बड़ा वाला एंगल हमारा आएगा डी ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा, वो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टोटल 2x। हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख देते हैं, इसको हमने x एज्यूम किया है, इसको भी x एज्यूम किया है, x कितना हो जाएगा 2x। सो थर्ड पॉइंट में हम दोनों को जोड़ देते हैं, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, डी एफ में दो एंगल हैं, एक एंगल हमारा है डी ई जी प्लस दूसरा हमारा है जी ई एफ, ये हमने x एज्यूम किया था, ये भी x। यह क्या है, कोई भी दो एंगल, ये जो एंगल जोड़ के बड़े एंगल इक्वल आते हैं, क्यों, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यह x है, ये भी x है, x प्लस x, सो देयर फोर एंगल डी ई एफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे हमें देखिए क्या करना है, यह लाइन और यह लाइन दोनों पैरेलल हैं, मतलब डी पैरेलल टू किसके दिया हुआ है, जी एफ के पैरेलल दिया हुआ है, और यह दोनों लाइन पैरेलल है और यह उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यह जो एंगल है, यह पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और यह पूरा एंगल कितना था, 2x, 1x 1x 2x था, तो यह भी कितना हो जाएगा, 2x। अगर यह 2x है तो यह दोनों भी इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर हो रहा है, तो यह भी कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। अब यह 2x मतलब यह पूरा कितना हो जाएगा, 4x, यह 4 हो जाएगा, और डी ई एफ का यह क्या है, एक्सटेरियर एंगल है, एक्सटेरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के इक्वल होता है। तो यह तो वैल्यू हमें पता है, यह वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, मतलब हमारा जो डी ई एफ है जो प्रूव करना था वह प्रूव हो जाएगा। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को इक्वल लिखते हैं, किसको, यह लाइन पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है, तो लिख लेते हैं सेग कौन कौन सी पैरेलल है, सेग डी पैरेलल टू सेग जी एफ एंड रे ई एफ भी आप ले सकते हैं, ई एम भी ले सकते, तो मैं ई एम ले रहा हूँ, ई एम इज ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, यह जो मैंने बताया यह एंगल और यह सॉरी यह वाला एंगल, इसका नाम लेंगे हम एंगल पॉइंट नंबर 4 में एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम। और देखिए डी ई एफ हमने कितना निकाला था, 2x, तो जी एफ एम भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ध्यान देखिए,
यह एंगल का बाइसेक्टर है, अगर यह 2x आया तो यह भी कितना हो जाएगा 2x। यहाँ लिख देते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ में रे जी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। सो देयरफोर कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, डी ई एफ जी इज इक्वल टू एफ एम जी एफ एम, और जी एफ एम को हमने क्या एज्यूम किया था 2xm, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2x ही हो जाएगा। अब इस पूरे एंगल को हम जोड़ देते हैं, डी एफ एम को निकाल लेते हैं, डी एफ एम हमारा क्या हो जाएगा डी एफ एम, इसमें भी दो एंगल हैं, एक एंगल हमारा है डी एफ जी प्लस दूसरा हमारा है जी एफ एम। इसको हमने कितना निकाला है देखिए 2x, और ये भी हमारा कितना है 2x, टोटल कितना हो जाएगा 4x, मतलब इस जो पूरा एंगल हमारा यह है ये कितना आ गया टोटल 4x, और जो टोटल एंगल हमारा डी एफ एम है वह ट्रायंगल डी ई एफ का क्या है एक्सटेरियर एंगल है। तो लिखेंगे एंगल डी एफ एम इज एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ का क्या है एक्सटेरियर, और एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एक्सटेरियर एंगल की वैल्यू होती है, मतलब ये पॉइंट नंबर 8 में हम लिख देंगे इज डी एफ एम इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस, इसका नाम हम लेंगे तो एंगल ई डी एफ प्लस इसका नाम लेना है एफ ई एम सॉरी डी ई एफ। यहाँ पे थ्योरम लिख देते हैं, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स डी एफ एम, डी एफ एम देखिए हमने यहाँ कितना निकाला है 4x, 4x इज इक्वल टू, यह तो हमें फाइंड करना प्रूव करना है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं ई डी एफ प्लस डी ई एफ, डी ई एफ देखिए यहाँ पे डी ई एफ, डी एफ कितना है 2x है, तो यहाँ से हम इसको कितना लिख देते हैं 2x लिख देंगे। अब इसको क्या करना है देखिए, हमारे यहाँ प्रूव में देखिए डी ई एफ अकेला है वहाँ पे कोई नहीं, तो मतलब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस साइड लेके आएंगे हम 4x माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल हो गया ई डी एफ कैसे रहेगा, और 2x 4x में से 2x आए कितना आएगा 2x इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ। अब 2 की जगह 2 रहने देते हैं, जो x हमने एज्यूम किया है उस देखो x की जगह हमारा क्या है डी ई जी है, और डी जी हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं 2 एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई उस साइड तो डिवाइड, सो देयर फोर डी एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। देखिए फर्स्ट हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है, एक बार मैं अच्छे से आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फर्स्ट यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो यह टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2x, अब यह 2x किसके इक्वल होगा, इस 2x के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं यहाँ पे लिखा रीज़न मैंने किया है, दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इन यहाँ पे रीज़न लिख देंगे दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि यह दो लाइन पैरेलल है और ये उनकी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। अब यह 2x है, ये भी कितना हो जाएगा 2x, मतलब टोटल यह कितना हो जाएगा 4x, और ये 4x क्या है एंगल डी ई एफ का एक्सटेरियर एंगल है, तो 4x इज इक्वल टू यह प्लस यह, और यह कितना है 2x है, देखिए यहाँ पे वो 2x है, 2x में से 4x माइनस किया 2x आएगा, x की वैल्यू हमने यहाँ पे x किसको एज्यूम किया था डी ई जो डी ई जी है और जिसको एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम डी जी कर देंगे, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी जी एंगल डी जी जो सॉरी डी ई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ ऑफ एंगल ई एफ ई डी एफ। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, अब सेकेंड आपको प्रूव करके हम दिखाते हैं। सेकेंड हमें प्रूव करना है
कि जो एफ ई है और जो एफ जी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए किन्हीं भी दो ट्राइंगल की साइड्स कब इक्वल होती है, जब उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि हमें इन दोनों का अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, यह एंगल, और इस जो ये वाली साइड इसका अपोजिट यह दोनों एंगल हमें क्या करना, इक्वल करना है, इतना टारगेट है। अब देखिए यह एंगल इसके इक्वल है और यह एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल, यह लाइन इसके पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है, तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और यह ऑलरेडी इसके, सॉरी, यह एंगल इसके इक्वल और यह इसके इक्वल है, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। पहले हमें कौन सा लेना है, एंगल लेते हैं, दोनों इक्वल करना है, यह एंगल इसके इक्वल है, तो यह लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, लाइन डी पैरेलल टू लाइन जी एफ, एंड उसकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, यह हमारी एफ जी, एंड सेग एफ जी इज ट्रांसवर्सल, सो देयर फोर एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ, और यह ई किसके इक्वल है, यक्स के है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यक्स। सो देयर फोर कौन, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यह भी एक्स है और यह भी एक्स हो गया अभी, और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब एंगल हमारा जी ई एफ इज इक्वल टू EGF, दोनों क्या हैं, यक्स हैं। अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो यह एंगल इक्वल है, तो इस ट्राइंगल में हम ले लेंगे, इस ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके बेस के जो उसकी अपोजिट साइड है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल EGF एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू EGF, दोनों इक्वल हो गए। सो देयर फोर से डायरेक्टली से, सो देयर फोर EF इज इक्वल टू FG, इसका रीजन होगा आइसोसेलस ट्रायंगल। यहाँ पे हमने सेकंड भी प्रूव कर दिया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। जो अदर क्वेश्चन है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल वाली नोटिफिकेशन बटन उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।